guys, welcome to Sketch School of Art and Creativity. I hope all of you are doing well. So this video is going to be a very important video, guys. We're going to talk about a very important aspect of architecture entrance examinations, especially the paper which came this year, NATA 2023 first attempt paper. We're going to talk about that. Mujhe aisa lagta hai, guys, since a very long time, the architecture entrance examinations are a little bit of unfair, and specially अगर मैं NATA first attempt paper की बात करूँ तो मुझे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें लगी जो काफ़ी unfair है. And you know guys, a few years back, I think in 2020 or 2021, इन दोनों साल में ऐसा हुआ था दैट द पेपर वॉज सो डिफिकल्ट दैट 50% ऑफ द स्टूडेंट्स कुड नॉट क्वालिफाई द NATA एग्जामिनेशन. और इसकी वजह से हुआ ये था दैट इन ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज द सीट्स वर एम्प्टी. तो पूरी सीट्स फिल नहीं हो पाई थी बिकॉज बच्चे ही NATA में क्वालिफाई नहीं हुए थे. एंड इन दैट ईयर ओनली COA हैज रिलीज द नोटिस कि आर्किटेक्चर करने के लिए NATA इज अ कंपल्सरी एग्जामिनेशन. तो अगर किसी बच्चे को आर्किटेक्चर करना है तो उसको NATA में क्वालिफाई होना जरूरी है. एंड मेनी स्टूडेंट्स 50% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन NATA एग्जामिनेशन, एंड दैट इज व्हाई काफी बच्चों ने आर्किटेक्चर का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया था. ठीक है, तो फर्स्टली दैट वॉज अ रियली अनफेयर सिचुएशन एट दैट टाइम. लिटरली सो मेनी पीपल मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज. आप यूट्यूब पे पहले की वीडियोज जाके देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने बनाई थी वीडियोज. और आई रियली डोंट वॉन्ट दैट अगेन दिस ईयर थिंग्स लाइक दैट शैल हैपन. नहीं होना चाहिए कि बच्चे NATA में फेल हों या उनके बहुत कम मार्क्स आए, बिकॉज सी आर्किटेक्चर इज अ रियली क्रिएटिव प्रोफेशन. अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, सो यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट कोचिंग व्हेन आई गेव NATA एग्जामिनेशन आई हैड लिटरली नो आइडिया. तो ड्राइंग काफ़ी डिफिकल्ट आती थी उस टाइम पे, एंड पर्सपेक्टिव स्केचिंग देर द ड्राइंग पार्ट स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट इफ यू आर अटेंडिंग द ड्राइंग पार्ट विदाउट लर्निंग और विदाउट गाइडेंस तो लिटरली आपके बहुत कम आते थे. नॉट बिकॉज कि आई डिड नॉट हैव द पोटेंशियल टू ड्रॉ गुड, बट आई डिड नॉट प्रिपेयर इनफ टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. तो एक पोटेंशियल का होना अलग चीज़ है और प्रिपरेशन का होना अलग चीज़ होती है. इंडिया में अभी ऐसा कोई टेस्ट मुझे नहीं पता है जो सिर्फ पोटेंशियल को जज कर रहा है. एवरीबॉडी इज काइंड ऑफ टेस्टिंग द प्रिपरेशन, विच इज ओके, बिकॉज कि अगर आप में पोटेंशियल है तभी तो आप प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे. पोटेंशियल जिनमें है पर वो हार्डवर्किंग नहीं है, उन्होंने प्रिपेयर ही नहीं करा है, वो प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो एनी वेज दे विल नॉट बी एबल टू डू आर्किटेक्चर. बिकॉज आर्किटेक्चर इज नॉट ओनली अबाउट पोटेंशियल, इट्स ऑल्सो अबाउट योर हार्डवर्क, योर डेडिकेशन, योर सिंसियरिटी बेसिकली. तो ये सारी चीज़ें जब आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके देते हो तो एटलीस्ट वो तो आपकी रियल में टेस्ट होती है. एंड लिटरली में जो बच्चे पोटेंशियल वाले हैं और जिनको अच्छी प्रिपरेशन जिन्होंने करी है, हार्डवर्क जिन्होंने करा है, उनके फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता है. सो दैट्स अ गुड थिंग आई वुड से. तो एग्जामिनेशन अगर ऐसा हो जिसमें बच्चे प्रिपेयर करके दे रहे हैं तो कोई बुरी बात उसमें नहीं है अकॉर्डिंग टू मी. अगर सिर्फ एग्जामिनेशन पोटेंशियल भी टेस्ट कर रहा है दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग. बट NATA वैसा एग्जामिनेशन नहीं है जैसा वो लोग क्लेम करते हैं. सो इन द ब्रोशर दे हैव रिटन दैट NATA के लिए कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, यू नो, एंड इट ओनली टेस्ट the innate ability of the students and no preparation is required for NATA examination. So I would really want to talk about that in this video कि क्योंकि वो लोग ऐसा claim करते हैं and फिर वो लोग paper ऐसा देते हैं जिसमें कि पूरा का पूरा preparation required है 80% तक. 20% questions हाँ जी के वाले उन्होंने डाल रखे हैं, but वो questions भी, you know, what is the purpose of those questions is I can't still understand कि architecture entrance examination which is kind of to test the potential of the students उसमें ऐसे questions का क्या requirement है वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है. तो you know you guys should actually take a stand for yourself. Maybe you can mail them कि second and third attempt का जो paper है वो लोग थोड़ा सा ढंग का दें, and you know they should give you one chance to prove your best. क्योंकि इस टाइप का पेपर अगर होगा तो मैं ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जिनके पास पोटेंशियल है, जिन्होंने प्रिपरेशन अपने हिसाब से करी थी,
मे बी उनको सही गाइडेंस ना मिली हो, बट स्टिल दे समवट प्रिपेयर्ड एंड दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू डू रियली गुड इन आर्किटेक्चर फील्ड. लेकिन अब पेपर ही ऐसा आएगा तो डेफिनेटली दे विल स्कोर लेस मार्क्स, दे विल नॉट गेट इन टू द कॉलेज दैट दे शुड हैव बीन इन. वो बहुत एक बड़ी बात होती है गाइज, बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल टू डू आर्किटेक्चर, यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम द लीडिंग आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, स्टिल बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एन एग्जामिनेशन यू आर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स, नॉट एबल टू गेट इन टू द कॉलेज विच यू डिजर्व, नॉट एबल टू गेट द एजुकेशन क्वालिटी विच यू डिजर्व. इट्स अ रियली समथिंग विच नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, राइट? सो नाटा पीपल, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आई वुड रियली वॉन्ट यू टू जस्ट थिंक अबाउट द पेपर वंस एंड जस्ट रिव्यू इट वंस. इवन यू कैन सी द JEE-BR पेपर विच हैज बीन हैपनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टू डिफरेंट आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन इंडिया. एक्चुअली में तो एक ही आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए था, ठीक है? अब दो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कर रहे हो तो डबल प्रेशर. एंड ऐसा भी नहीं है, यू नो, बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होते हैं, सपोज इंजीनियरिंग का हो गया, मेडिकल का हो गया, है ना, इन दोज एंट्रेंस एग्जामिनेशन द सिलेबस इज द सेम. वो बस दूसरे अलग अलग भी दे रहे हैं तो ठीक है, अलग अलग आप दे रहे हो, बट सिलेबस इज द सेम, प्रिपरेशन इज वन. यहाँ पे JEE-BR इज हैविंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिलेबस, नाटा इज हैविंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिलेबस. तो बच्चा करे तो करे क्या, कितना प्रिपेयर करे एक ही चीज को करने के लिए, आर्किटेक्चर को करने के लिए, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इधर यू प्लान अ सिलेबस, JEE वाले भी और नाटा वाले भी, कि एक ही सिलेबस हो फॉर आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे आप एग्जाम अलग अलग कर लो, बट एटलीस्ट द सिलेबस शुड बी द सेम, सो दैट द स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर विद देयर फुल पोटेंशियल. एंड द सिलेबस विच इज कमिंग फॉर आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुड बी लेजिट, नॉट लाइक दिस पेपर विच हैज कम इन नाटा. तो लेजिट सिलेबस दो. इस टाइप का सिलेबस देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अभी मैं डिस्कस करूंगी, बिना क्वेश्चन वाइज मैं डिस्कस करूंगी कहाँ पे मुझे लगा कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है? एंड डेफिनेटली कुछ आंसर्स रॉन्ग भी दिए हुए हैं, सो यू मेल देम दैट दिस क्वेश्चन हैज पर्टिकुलरली द रॉन्ग आंसर, सो दैट यू कैन गेट द बोनस पॉइंट्स और वॉट एवर. एंड सेकेंडली, यू शुड ऑल्सो मेल देम दैट दे शुड गिव यू योर रिस्पॉन्स शीट ऑल्सो. तो इन्होंने आंसर की दी हुई है, बट देर इज नो रिस्पॉन्स शीट. एंड आई रिमेंबर एट माई टाइम वी यूज टू गेट द रिस्पॉन्स शीट. तो मैंने खुद अपने जब मैंने नाटा दिया था तो मैंने अपने रिस्पॉन्स शीट्स देखे हुए हैं, वी यूज टू मैच कि हमने क्या किया, जैसे JEE में आया था, राइट? सो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन शोइंग यू दैट व्हाट आंसर हैव यू फीडेड एंड वेयर यू वेंट रॉन्ग. बिकॉज पेपर ऐसा है कि आपको आंसर तो डेफिनेटली याद नहीं रहेगा ना कि आपने क्या फीड किया है, बिकॉज आपने बहुत सारे में तो तुक्का मारा होगा, क्योंकि पेपर ही ऐसा आया है. जिन्होंने कोचिंग से प्रिपेयर भी किया है, हमें पता है, उनको पता था, ठीक है, सारे मतलब बहुत सारे आंसर उनको पता थे यहाँ पे. बट मुझे पता है दैट स्टूडेंट्स हु हैव नॉट डन प्रिपरेशन फ्रॉम SSAC और द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, जस्ट बिलीविंग द नाटा ब्रोशर की प्रिपरेशन ही रिक्वायर्ड नहीं है, उनको तो क्वेश्चन इतने टफ लगे होंगे कि कुछ समझ ही नहीं आया हो कि क्वेश्चन है क्या, कहाँ से क्या पूछ रहे हैं, क्या मतलब है वर्ड्स का, कुछ नहीं समझ में आया होगा आपको, है ना? Which is bound to happen. And this is why this video is really important to clear all the confusions in your mind. And literally, koi video agar ye dekh raha hai in some senior position who has some authority to say for Nata and JEE-BR, please, you know, just go through the paper once of Nata and try to review the paper, try to make a paper which is legit for architecture entrance examination, not something like this, which is definitely not at all related to architecture, not at all related to test the potential of architecture field, na? Ki agar koi bachcha architecture entrance examination de raha hai, तो वो उसका पोटेंशियल ही तो टेस्ट करने के लिए है, राइट? कि अगर उसके पास आर्किटेक्चर करने का पोटेंशियल है और उसको उसके पास अच्छा प्रिपरेशन है, अच्छी डेडिकेशन है, अच्छा पोटेंशियल है, गेट इनटू अ गुड कॉलेज, गेट इनटू गुड एजुकेशन एंड स्टफ. बट वही चीज यहाँ पे नहीं हो पा रही है. पोटेंशियल वाले स्टूडेंट्स भी कम मार्क्स ला रहे, फेल हो रहे हैं, यहाँ तक कि दैट्स अ रियली बैड थिंग टू हैपन. ओके, तो ये चीज तो बिल्कुल ही चेंज होनी चाहिए. And you can share this video also on their help desk number if you want. You can mail them the link of this video so that at least, you know, they can
do a better job in second attempt and third attempt, and even it would be fair for you. So let's discuss with the paper. मैंने last video you guys एक analysis की video डाली थी जिसमें कि मैंने you know I talked about कि कौन सा part कितने marks का आया था और कितने questions आए थे उस part में से. So add this thing right over here and I will also add this on the screen once. तो आप उसको screenshot लेके कहीं side में रखिए और देखते रहना so that you can get a reference. First is basic maths and physics. Okay, I don't have any problem in this section. I think the first 25 questions was from basic maths and physics, which is completely okay, completely fine for me. I don't have any problem with this section for of NOT examination. Actually, it's a good thing because जो JE examination है, उसमें जो mathematics आती है, guys, which is not basic mathematics. It's high level mathematics. इतनी हाई लेवल की मैथमेटिक्स यू विल ऑल्सो अग्री विथ मी. एनी आर्किटेक्ट वॉचिंग दिस वीडियो वुड अग्री विथ मी. एनी पर्सन रिलेटेड टू आर्किटेक्चर फील्ड वुड अग्री विथ मी कि इतनी हाई लेवल की मैथमेटिक्स का काम आर्किटेक्चर में कभी नहीं आता है. ठीक है, आर्किटेक्चर में जो फिजिक्स आती है, मैथ्स तो सब्जेक्ट भी नहीं होता. ओनली थ्योरी और स्ट्रक्चर्स इज देयर विच हैज सम बेसिक मैथमेटिक्स एंड बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यू गाइज. सो इतनी हाई लेवल की मैथमेटिक्स जब आर्किटेक्चर में कभी आनी ही नहीं है, तो आप उसको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स का दे रहे हो जेई में, विच इज ऑफ नो यूज. तो मे बी जो बच्चे उसमें अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मैथ्स में अच्छे होते हैं. ठीक है, ऐसा कोई SPM में स्टूडेंट जाते हुए मैंने नहीं देखा जो मैथ्स में अच्छा ना हो. तो कहीं ना कहीं आप उन्हीं स्टूडेंट्स को SPM में एडमिशन दे रहे हो हु आर रियली गुड इन मैथमेटिक्स, विच इज अ गुड बैड थिंग बिकॉज अगेन SPM में जिनका पोटेंशियल है, जरूरी नहीं है ना कि वो मैथमेटिक्स में अगर अच्छे नहीं है इतने ज्यादा तो उनका SPM में नहीं होना चाहिए. स्टिल दे कुड बी रियली गुड इन ड्रॉइंग, दे कुड बी रियली गुड इन एप्टीट्यूड, एंड मे बी दे कुड नॉट बी दैट गुड इन मैथमेटिक्स, विच इज फाइन फॉर आर्किटेक्चर ना. इट्स नॉट इंजीनियरिंग और इट्स नॉट एनी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इट्स फाइन. तो ये भी जेई में कहीं ना कहीं एक चीज है जो मैथ्स का जो लेवल है वो हल्का सा कम होना चाहिए. मैथ होना चाहिए बट जैसे नाटा में उन्होंने दिया है बेसिक मैथमेटिक्स, कंप्लीटली फाइन. अगर किसी को बेसिक मैथमेटिक्स आती है, समझ में आ रही है, फिजिक्स उसको बेसिक आता है, देन दैट पर्सन इज 100% 110% एलिजिबल टू डू आर्किटेक्चर. सो बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इज कंप्लीटली फाइन फॉर आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी. ओके, तो यहाँ पे यू नो दीज आर 25 क्वेश्चंस ऑन बेसिक मैथमेटिक्स. और दोनों अटेम्प्ट्स में यही था, बोथ द अटेम्प्ट्स पेपर आई एम हैविंग ओवर हियर एंड द पैटर्न वॉज द सेम. उसके बाद गाइज सेकेंड थिंग विच आई रियली वॉन्ट टू से टू द पीपल एंड टू द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, स्पेशली अगर कोई नाटा से वीडियो देख रहा है, 25 मार्क्स का इंग्लिश क्वेश्चंस. व्हाई आई वुड से कि आई एम नॉट सेइंग दैट इंग्लिश इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू नो इन इंडिया स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट you know if you talk about any profession, anything, English plays an important role. Okay, English does play an important role, to be honest, but you know it's just a skill, guys. It's just a language, you know. It's not like that if you don't know English you cannot excel, or it's not like that everybody knows English. Some people I have seen learning such good English in college, you know, when they speak English, when they study English, they really learn good English in college as well. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझो कि अगर आपकी इंग्लिश 25 मार्क्स पूरे लाने वाली नहीं भी है तो भी आप आर्किटेक्चर कर सकते हो. तो मेरे हिसाब से जो इंग्लिश का वेटेज है, इंग्लिश होना चाहिए, बट वेटेज 25 मार्क्स आई डोंट थिंक इज लेजिट फॉर आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम आर इंस्टीट्यूट एज वेल हु आर नॉट दैट गुड इन इंग्लिश, बट दे आर रियली डेडिकेटेड, रियली हार्ड वर्किंग, वेरी गुड इन ड्रॉइंग. सो आई नो सम स्टूडेंट्स एंड डेफिनेटली दे हैव अ रियली गुड पोटेंशियल टू बिकम गुड आर्किटेक्ट्स. एंड इवन आई हैव मेट अ लॉट ऑफ आर्किटेक्ट्स हु डोंट नो इंग्लिश बट देयर वर्क स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स, राइट. सो इंग्लिश इज नॉट दैट मच ऑफ अ फैक्टर कि आप 25 मार्क्स का इंग्लिश दो, 5 to 10 मार्क्स इज फाइन, बट वॉट इज 25 मार्क्स का इंग्लिश. इट्स हैविंग मोर वेटेज दैन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर कम्बाइंड, फेमस आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स कम्बाइंड, ऑल दीज थ्री टॉपिक्स कम्बाइंड ऑल्सो इज हैविंग लेस वेटेज दैन इंग्लिश. ओके, सो आई डोंट अंडरस्टैंड द रीजन फॉर दिस. मे बी फॉर द सेकेंड अटैम्प्ट प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस.
if somebody is watching this. So I just made the video, but what to say. Now let's come to interesting part, building, construction and materials. Okay, now I will say for this part, definitely this question you can see right here. I hope that you can see on the screen, guys. I will try not to add, you know, anything else, because बहुत मैं ये बहुत raw video रखना चाहती हूँ. This question over here, which is a pendentive, which person who has not prepared for architecture entrance examinations for NATA would know the answer of this question? Okay, I, being a student of 12th grade, would not know what is a pendentive, dude. It comes in history of architecture. Okay, many architecture students also would not know what is a pendentive. जिन्होंने क्लास में एक दो क्लास में मतलब जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर अच्छे से ना पढ़ा ना, उनको भी पेंडेंटिव का मतलब नहीं पता होता है, ट्रस्ट मी. सो दिस क्वेश्चन विदाउट प्रिपरेशन, सेम नॉट ओनली वन क्वेश्चन गाइज, ऑल द क्वेश्चन यू नो विच दे हैव गिवन, फॉर सम क्वेश्चन आर कम्प्लीटली मिसलेनियस, कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. आई वुड से दिस इज स्टिल फाइन, दिस इज स्टिल फाइन कि आइडेंटिफाई द टाइल वाला थिंग. बट गाइज look at this question, which of the following tool is used for cutting soft bricks? Who would know what is the meaning of spirit level, what is the meaning of hawk, what is the meaning of plumb line, what is the meaning of sledgehammer without preparation? Even architecture students also don't know the meaning of all the tools, building tools ka ye question hai, kisko pata hota hai. So this is not a paper which is based on your innate ability at all. Entire paper I can keep going on. ठीक है, इस question को देखो यहाँ पे, this is ashlar, this is random rubble. Who would know what is random rubble? Who would know stone masonry in school from innate ability? Of course, you know, all these questions require preparation, and that too, that level of preparation. ठीक है, तो बहुत सारे question यार ऐसे आपको देते हैं. कुछ question ठीक है, ये वाला question आपका GK का आ गया, apple park is something. Reasoning is completely fine, I don't have any problem for reasoning, I don't have any problem in principles of design. Actually these questions are good, these questions are should be there in architecture entrance examinations, and I'm not saying that these questions are not good. Fine, okay, these questions pendentive ka aapne puch liya, stone masonry pe puch liya, building tools pe puch liya, it's fine. But at least don't misguide the students and write that ki isme preparation required nahi hai. 110% bahut high level ki preparation hai aapke paper mein required hai bhaiya. Aisa nahi hai ki aapke paper mein preparation required hi nahi hai. Jisne preparation nahi kari hogi, who would know the meaning of all these terms, principles of design? And it's not about knowing the meaning of all these terms. If you are not correcting, full marks be to be awarded if any four answers are correct. मतलब कि अगर आपने चार ऑप्शन जो सिलेक्ट किए हैं वो चारों सही होने चाहिए तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, ए सी डी एफ है इसका आंसर सपोज इस क्वेश्चन का. सो ए सी डी एफ, फोकस, टेक्सचर, कॉन्ट्रास्ट एंड रिपीटिशन. इफ यू हैव सिलेक्टेड इवन वन आंसर आउट ऑफ द रेंज, then you will get zero. So that means you should have complete knowledge of all these principles. 110% आपको knowledge होना चाहिए तभी तो आपके full marks इसमें आएंगे. तो 110% principles of design is also something which you have to really prepare. Quantitative aptitude, जो basic maths का वाला part था, जो reasoning वाला part था आपका, 110% उसमें भी preparation की requirement है, because the questions of blood relation, same questions, you know, we have done in classes and things like that. So same questions aapke aa rakhe hain quantitative aptitude wagera se. Theek hai, bahut sare similar questions hai reasoning mein se, many questions are similar which has come in the examination. Theek hai, kuch question hai aapke jinka koi logo ka itna zyada question hai. I am saying famous logos, four questions of 8 marks in first shift. ठीक है, फेमस पेंटिंग से भी चार क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स, 16 मार्क्स के आप फेमस पेंटिंग और फेमस लोगोस दे रहे हो. ओह माय गॉड, 16 मार्क्स फेमस पेंटिंग्स एंड फेमस लोगोस. यू गाइस, इफ समबडी डजंट नो, माय पॉइंट इज इफ समबडी डजंट नो द फेमस पेंटिंग्स एंड फेमस लोगोस एंड फेमस आर्टिस्ट्स एंड फेमस स्कल्पचर्स, देन इज दैट पर्सन नॉट केपेबल टू डू आर्किटेक्चर? थोड़ा बहुत दो, बट व्हाट इज 16 मार्क्स? Something which is not relevant to architecture.
or something which is not an innate ability. Okay, it's something nobody has heard of. कुछ भी आपने मूवी की इमेज दे दी है इसमें, मूवी किस मूवी का है वो बता रहे हो, आंसर की हैज प्रोबेबली बिन क्लोज नाउ सो वी डोंट हैव द आंसर की एनी मोर, दैट्स ग्रेट. तो बेसिकली यू गॉट द आर्किटेक्चुरल टर्म्स. ओ माय गॉड, हैव यू गाइस सीन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ आर्किटेक्चुरल टर्म्स? हु वुड नो व्हाट इज अ मेज़नाइन फ्लोरिंग, हु वुड नो व्हाट इज पैरापेट, हु वुड नो व्हाट इज प्लिंथ, who would know what is a lintel? In school, nobody knows, right? So it's not an only 15 marks architectural terms, 100% based on preparation. पूरे का पूरा पेपर ही तो आपका प्रिपरेशन पे बेस्ड है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस पे बेस्ड है जिनका कोई मतलब नहीं है आर्किटेक्चर में. फेमस पेंटिंग्स का कोई मतलब नहीं है, मिसलेनियस क्वेश्चंस 14 मार्क्स यू हैव गिवन, एनीथिंग यू आर गिविंग, मूवी का कुछ दे दिया. What kind of a paper is this, guys? Just make a legit paper. Do some justice to the students, please. Okay? Because all the questions should be something which is testing the potential of the students to do architecture. That's the whole point of architecture. And even see the JEE examination. Jo questions aptitude mein JEE mein aaye the, same we had discussed. Those were really legit questions, important ones. Bachchon ne sara padha tha, prepare kiya tha. Aur jisne pura achche se prepare kara tha, se unko sare questions aa gaye the JEE mein, aptitude mein. Ek do question aaye honge bahar se GK. That's fine. GK wale question thode bahut, it's fine. But 16 मार्क्स का जीके, 16 मार्क्स का फेमस पेंटिंग, फेमस लोगोज, मिसलेनियस आपके 14 मार्क्स का है, ठीक है. प्रिपरेशन आप कह रहे हो प्रिपरेशन नहीं करना, फिर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे, इवन सारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी, ब्लड रिलेशंस पे जो क्वेश्चंस आपने दिए हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी, इसी मतलब एवरीथिंग इज रिक्वायरिंग ह्यूज प्रिपरेशन. एंड पीपल हु आर हैव डन प्रिपरेशन फॉर वन ईयर, दे नो कि जितना भी हमने पढ़ाया है, जितना भी हमारे स्टडी मटेरियल में है, आधे से ज्यादा पेपर उससे सही आया है. तो प्रिपरेशन कहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, आई डोंट गेट इट. ओके, जीके एंड करंट अफेयर्स के आप अगेन 7 मार्क्स दे रहे हो, फिर विच इज फाइन. ओके, जीके एंड करंट अफेयर्स इज फाइन, लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश इज फाइन, लिटिल बिट ऑफ फेमस लोगोज, बट बहुत ज्यादा नहीं अच्छा लगता है. और स्पेशली यू आर मिस गाइडिंग की प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, देन पेपर इज लाइक दिस. Okay, so that's completely out of my understanding. Giving architectural terms, building construction, building materials, history of architecture is a good thing. But students should not be misguided ki NATA is a paper which should not be prepared for. Huge level of preparation is required. Ab ki baar jo humne strategy banayi hai, jo humne planning banayi hai, वो ऐसी है कि भाई हम सब कुछ करवा रहे हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, बिकॉज पेपर ही ऐसा है. वी डोंट वांट स्टूडेंट्स टू मिस एनीथिंग, राइट? सो वी आर रीडूइंग ऑल द टॉपिक्स अगेन एंड इन ग्रेट डिटेल. सारे टर्म्स कवर कर रहे हैं, सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आर्किटेक्ट बन जाओगे आप, ठीक है. एवरीथिंग यू विल स्टडी इन आर्किटेक्चर, फिफ्थ ईयर ऑल्सो यू वुड नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. हम तो पूरा आर्किटेक्ट ही बना रहे हैं, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट कि यार किसी का भी पोटेंशियल हो और उसका अच्छे कॉलेज में ना हो. जिनके पास पोटेंशियल है उनको जाना चाहिए अच्छे कॉलेज में, ठीक है. 45 सेकेंड क्वेश्चंस, आई वुड नॉट इवन से अबाउट दिस. आई हैव नो आइडिया व्हाट इज बीइंग टेस्टेड बाय 45 सेकेंड क्वेश्चंस. आई वुड पर्सनली फेल इन 45 सेकेंड क्वेश्चंस, बट व्हेन आई डिड आर्किटेक्चर आई वॉज गुड इन ऑल द सब्जेक्ट्स, आई वॉज गुड इन मेकिंग प्लान्स, माई वर्क वॉज रियली गुड. बट मे बी इन दिस NATA एग्जामिनेशन आई वुड ऑल्सो नॉट हैव बिन क्वालिफाइड. सो आई डोंट नो कि वट काइंड ऑफ अ पोटेंशियल यू आर टेस्टिंग थ्रू NATA एग्जामिनेशन. सो दिस वीडियो एंड्स हियर गाइज. आई होप दैट यू हैव गॉट सम क्लैरिटी. एटलीस्ट ये क्लैरिटी मिल गई हो कि प्रिपरेशन आप करके जाओ, ठीक है. अनफेयर जो चीज़ हो रही है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट जो हम अपने एंड से कर सकते हैं वो है एक कंप्लीट प्रिपरेशन फ्रॉम आवर साइड. ओके, इफ यू वॉन्ट टू अटेंड अ फ्री मास्टर क्लास, वी आर अरेंजिंग अ फ्री मास्टर क्लास फॉर एवरीबडी. सो इन दिस मास्टर क्लास वी विल टेल यू द स्ट्रैटेजी कि कौन से टॉपिक से क्या क्या कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अपने टाइम को डिवाइड करना है, कितने डिटेल में प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है. पूरे के पूरे मास्टर क्लास को अगर जिसने अटेंड कर ली उसको तो 100% क्लैरिटी मिल जाएगी, और 100% जिसने फॉलो कर लिया मास्टर क्लास की स्ट्रैटेजी को वो 110% NATA का टॉपर बन जाएगा. तो मास्टर क्लास को अटेंड करने के लिए यू कैन मैसेज अस ऑन द, नॉट मैसेज एक्चुअली, व्हाट्सएप अस
on the number which is given on the screen, and that's it. You should just message that I want to attend the masterclass, and I think it's being held tomorrow only. I don't know the exact date, तो शायद कल या परसों है. तो अभी से फटाफट से मैसेज करो. सीट्स लिमिटेड है, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि फटाफट करो, बिकॉज बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी हम केटर नहीं कर पाते हैं. सो सीट्स आर वेरी लिमिटेड. सो डू मैसेज अस एंड या स्टार्ट योर प्रिपरेशन. एंड एनीबडी वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम नाटा, प्लीज गाइज जस्ट मेक द पेपर अ लिटिल बिट मोर लेजिट. एटलीस्ट जस्ट लाइक जे एग्जामिनेशन के लेवल का भी अगर आप दो, कि सही में जो आप इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वो दो, सही में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बच्चों को पता होनी चाहिए आप वो दो. बहुत ज़्यादा हाई लेवल के देने का कोई मतलब नहीं. आप टाइट ट्रस्ट का भी आप पूरा एक वो पूछ रहे हो कि ट्रस्ट में भी कौन सा है, तो वो तो किसी को नहीं पता होगा यार. आर्किटेक्ट्स को ही नहीं पता होता, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है. सो लेट अलोन द यू नो द स्कूल स्टूडेंट्स, दे वुड नॉट नो सच हाई लेवल थिंग्स, राइट? एंड इट्स नॉट फॉर देम टू स्टडी, दे हैव टू स्टडी दैट इन कॉलेज. तो बेसिक पूछो, बेसिक चीज़ें पूछो. हम प्रिपेयर करवाते हैं, बच्चे खुद भी प्रिपेयर करते हैं, तो वो बेसिक चीज़ें पूछो आर्किटेक्चर से. यू नो वेटेज सही से रखो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप ज़्यादा दो. आर्किटेक्चुरल टर्म्स आपने दिया है बट इट इज़ टू टफ, सो जस्ट बेसिक्स वुड बी फाइन, ठीक है? एंड बहुत ज़्यादा हाई लेवल की देने की जरूरत नहीं है. एंड दैट टू व्हेन यू आर सेइंग कि नो प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, फिर आप इतना हाई लेवल का दे रहे हो. तो बेसिक अगर आप देते हो, बेसिक बेसिक प्रिपरेशन, दैट इज कम्प्लीटली ओके टू टेस्ट द पोटेंशियल ऑफ सम स्टूडेंट टू डू आर्किटेक्चर, राइट? सो आई होप द थिंग्स वुड चेंज. I hope that the things would be better for students who are having potential, so that India could get better architects and it could develop more fast, because architecture plays a huge role in the development of the country. तो वो start यहाँ से हो रहा है. Start को ही आप खराब कर दोगे तो आगे जाके कहाँ से अच्छे architects मिलेंगे, है ना? So on that note, I will end this video. Don't forget to share this video, you guys. You have to share this video with everyone you know who is doing architecture. Like this video and don't forget to comment down below your thought about this. So comment karke batao ki aapko kya lagta hai, am I wrong in thinking this way? Because sometimes, you know, you really need that kind of assurance ki you also think what I'm thinking and this should be changed, because maybe I'm wrong, maybe my thought process is a little bit wrong. So do comment down below what do you think about architecture entrance examination and what do you think should be changed. Thank you so much guys for watching this video. Let's meet in the next one.